अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 3HNN चैनल में खुश आमदी। आज हम बात करेंगे खवातीन में माहवारी के मसाइल। हर चार में से एक खातून को माहवारी में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हर माँ बच्चियों और शादीशुदा खवातीन में एक वक्त आता है जबकि उनमें यूट्रस की दीवार शड हो जाती है, जिसके साथ अंदामे नहानी से खून का अखराज होता है। अगर हल्की दर्द और कमजोरी ही हो तो ये कोई बीमारी नहीं, ये एक आम बात है। इसको खुराक को बेहतर करके काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर दर्द इतना शदीद हो कि उससे उल्टी और मोशन आए, और कुछ केसेस में तो खवातीन बेहोश भी हो जाती हैं, या फिर पेट में मरोड़ आना हो या और इस तरह की अलामत हो, तो ज़रूर आपको किसी डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए और आपको दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कुछ होम्योपैथी अद्वियात कारगर साबित होती हैं, जिनमें बेलाडोना की दर्द हमेशा शदीद होती है, अचानक से दर्द आती है और फिर गायब हो जाती है। इसमें खून सुर्ख, तेज सुर्ख और गर्म और ज्यादा मिकदार में जारी होता है। दूसरी दवा कैमोमीला, इसमें मरीज दर्द बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता, इसके असाब थक जाते हैं और वो बहुत शदीद गुस्सा करता है। इसमें खून बहुत ज्यादा मिकदार में जाया होता है, जबकि गाढ़ा और स्याही माइल खून जिसमें लोथड़े भी शामिल होते हैं, तो तब आपकी दवा बनेगी कैमोमीला। इसके चार कतरे जबान पर आधे घंटे के वक्फे से टपकाएंगे तो मरीजा जल्द अफाका पा जाएगी। तीसरी दवा है मैग्नेशिया फास, ये बहुत शानदार दवा है। अगर इसकी अलामत है, अगर पेट में दर्द है, ऐसा दर्द जो कि दबाने से या दोहरा होने से उस दर्द में कमी आती है, या फिर आपकी बॉडी को लोअर एब्डोमेन को सेक दें गर्माइश की वजह से आराम आता है, तो इस सूरत में मैग्नेशिया फास के 20 कतरे आपने आधा कप गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दर्द में अफाका हो जाएगा। इसके बाद अगली दवा है सिमिसिफ्यूगा, ये ऐसे मरीजों की दवा है जिनको माहवारी शुरू होकर जैसे ही ब्लीडिंग तेज होती है वैसे वैसे उनके दर्द में इजाफा होता जाता है। मरीजा चिड़चिड़ी और दुखी हो जाती है। इस दवा को चार कतरे जबान पर टपकाएं, जिससे दर्द में बहुत जल्द कमी वाकया हो जाती है। इसके अलावा दीगर अद्वियात में कोलोफाइलम, कोलोसंत, आईपीकाक, लैक्सेस अद्वियात शामिल हैं, जो अपनी मखसूस अलामात के साथ माहवारी के दर्द को कंट्रोल करने में कारगर साबित होती हैं। इसके अलावा आप गर्म पानी की अगर टकोर करेंगे या फिर आप हीटिंग पैड इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके दर्द में खासा कमी वाकया होगी और आप अफाका महसूस करेंगे। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो लाइक करने का। थैंक यू वेरी मच।